हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बता रहा हूँ स्कोडा रैपिड की सर्विस लाइट रीसेट कैसे करते हैं स्कैनर से। ये स्कैनर से भी रीसेट होती है और इसका मैनुअल तरीका भी है। कुछ गाड़ियाँ मैनुअल हो जाती हैं, इको स्पोर्ट है जैसे कि, और आपकी पोलो है, स्कोडा रैपिड है, ऑक्टेविया है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं और ये स्कैनर से भी हो जाती है। मैं आज आपको स्कैनर का तरीका बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर मैनुअल तरीका भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं स्कैनर से। सबसे पहले अपना स्कैनर गाड़ी में लगा लें, उसके बाद आपको गाड़ी चूज़ करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सर्विस लाइट ब्लिंक कर रही है, ये चाबी का निशान जो है ये ब्लिंक कर रहा है, ये सर्विस लाइट है, इसकी सर्विस हुई है अभी। अब मैं यहाँ पर गाड़ी चूज़ कर लेता हूँ, स्कोडा कंफर्म, ये लोडिंग हो रहा है डाटा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हो गया, यहाँ पर स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, ये सर्विस रीसेट सबसे ऊपर, ऑटो ऑटो रीसेट कर लेना, और ये ऑयल रीसेट, माइनर मेजर में मेजर करेंगे, माइनर में माइनर करेंगे। मेरी गाड़ी की मेजर हुई माइनर हुई है सॉरी, तो मैं माइनर पे क्लिक करूँगा। ऑटो ये 10,000 किलोमीटर पे मैं इसे सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगले 10,000 पे ये फिर से लाइट ब्लिंक करने लगेगी। और ये यहाँ पर हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इग्निशन ऑफ किया, ये ऑन, और ये सर्विस लाइट जा चुकी है अगले 10,000 किलोमीटर के लिए। अब सर्विस लाइट अगले 10,000 पर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।